नहीं ना, लड़कों में छोटा एम नहीं करना, पर लाइफ में करना है। कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, बड़े बड़े सपने देखो, लेकिन सपने कभी सच होते भी हैं। कभी नहीं, रेयरली, ओकेजनली। अब सपने देखोगे तो टूट ही जाएंगे। इनफैक्ट आईटी तुम में से किसी का सपना होना भी नहीं चाहिए। एक तो ये वर्ड यूज करना छोड़ो तुम लोग, सपना। इसे यूज करने का मतलब है कि पहले ही मान चुके हो, कुछ होना जाना तो है नहीं, देखने की चीजें देख ली। एम बोलना शुरू करो, एम। सपने देखे जाते हैं, एम अचीव किए जाते हैं। अब एम बोलोगे तो चीजें डूएबल लगेंगी। फिर अगला सवाल आएगा, रास्ता क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, क्या करना है। आईटी मेरा एम है। मीना जल्दी सीख जाता है। खोल भाई से यार। एम बड़ा कर लिया ना तो पूरे मोहल्ले परिवार को पता चल जाता है, और पूरा नहीं हुआ ना तो ये चाची आंटियां ना बातें और बनाती हैं। अरे भाई बड़ा एम करो, फाइट मारो, और नहीं हो तो धड़ल्ले से बोलो जेई एडवांस में रिजेक्ट हुई हूं। डर किस चीज का है? आईटी इसलिए एम मत करो कि उसके बिना लाइफ नहीं है। सुंदर पिचई, अरविंद कृष्णा आईटियंस हैं, सत्य नडेला नहीं भी है। और आईटी इसलिए मत करो कि वहां पढ़ाते अच्छा है, पढ़ाने वाले मिल जाएंगे हर स्कूल कॉलेज में। आईटी इसलिए करो क्योंकि टफ है, और टफ बैटल लड़ने में कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में। आपके लिए ना ये सब कहना बहुत आसान है, आप खुद एक आईटीयन हो। ये सही बात की तुमने, मेरी कोई नॉर्मल डिलीवरी थोड़ी हुई थी। समुद्र मंथन से पैदा हुआ था मैं तो। ब्रह्मा जी आए मेरी मम्मी को वरदान देने के लिए, पुत्री जा तेरा बेटा आईआईटीयन होगा तथास्तु। तुम लोग क्या आश्रय? सब आईटीयंस ऐसे ही होते हैं, बुक पढ़ते नहीं, स्कैन करते हैं, पेन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं सिर्फ सॉल्यूशन लिखने के लिए उठाते हैं। इनऑर्गेनिक, इससे तो हमें डर ही नहीं लगता। सिली प्रॉब्लम्स, ये क्या होती हैं, ये तो हमने कभी दिख करी ही नहीं। मेरे लिए कन्वीनियंट है ये बोलना कि डोंट टेक स्ट्रेस, पर स्ट्रेस तो होगा। स्टडीज बताती हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्ट्रेस अच्छी चीज़ है, और मेरे लिए आसान पता है क्या है, ये बोल देना कि बी योर सेल्फ। पर सत्य ये है कि यू शुड ऑलवेज ट्राई टू बेटर योर सेल्फ। मैं भी प्रोडिजी में था, अच्छी लाइफ चल रही थी, क्यों निकल गया हूँ अपना इंस्टीट्यूट खोलने के लिए। ना कभी कंपनी चलाई, ना कभी फंडिंग रेस की, पता नहीं क्या चैलेंजेस आएंगे, पर कर रहे हैं। यहाँ हम 32 में गियर अप कर रहे हैं, आप 17 में स्लो डाउन हो गए, ऐसे कैसे चलेगा दीदी? ठीक है मैं जाकर सोचती हूँ, अभी ड्रॉप कर दो ना। अरे वो तो मैंने ऐसे जोश में बोल दिया था, रिक्शा करो और जाओ। ठीक है।